साथियों नमस्कार। बीइंग अ डायरेक्टर इन एकेडमिक्स एंड चेयरमैन ऑफ फोर्थ कमिंग एलन ग्रुप, मैं आप सबको एक अलर्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, या यूँ कह दो एडवाइस भी दे रहा हूँ। अभी तक एलन पर कई लोग आए, तैयार हुए, पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, चले गए, वापस एलन पर आए, उदार दिल से एलन ने उनको जोड़ भी लिया। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है लालच का, इस समय अगर कोई भी इस लालच में फंस कर अगर जाता है तो वो ये बात गांठ बांध ले कि उसके लिए एलन का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है, वो टोटल ब्लैकलिस्टेड एट एलन, इस जिंदगी में वापस एलन को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये उसके निजी आगे भविष्य के लिए बता रहा हूँ। बाकी एलन पर 11,000 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जा रहा है, 5-10 चले जाएंगे, 50 तैयार खड़े हैं, 50-100 चले जाएंगे, 1,000 तैयार बैठे हैं। अरे हम 11,000 लोग हैं, आराम से एलन जब भी ऐसी स्थिति आई है और ज़्यादा निखार के साथ मजबूत हुआ है, इसलिए कोई जाता है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके लिए बता रहे हैं अब उसके लिए वापस पे एलन ज्वाइन करना असंभव है इस जिंदगी में। और जो इस समय एलन पर हैं, जो कि लॉयल हैं, अपने काम के प्रति वर्कशिप से अपने किरदार को निभा रहे हैं, उनके लिए एलन हमेशा उनकी हर पल साथ खड़ा था, साथ खड़ा है और साथ खड़ा रहेगा, उनकी केयरिंग करता है, करता रहेगा। उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ है, उसकी सुबह की है तो शाम नहीं होने देगा, और अगर शाम की है तो उसकी तारीख नहीं बदलने देगा, ऐसी केयरिंग करता रहेगा। और ये भी कह रहा हूँ, जो ऐसे लॉयल लोग हैं, ऐसे वफादार लोग हैं, वो जो जा रहे हैं उनकी तुलना में 3 साल बाद उनकी बहुत बेहतर स्थिति होगी, हर तरह से, पोजीशन के रूप में भी और फाइनेंशियल के रूप में भी। इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से बच्चों का जो बेहतर हो सकता है करते आए हैं, करते रहेंगे, रिजल्ट प्रोड्यूस करते आए हैं, टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करते आए हैं, रिजल्ट वैसे ही देते रहेंगे। बस जो जा रहे हैं उनके लिए साफ बता रहे हैं कि चलते चलते ये बोल रहा हूँ, अब एलन ऐसी फील्डिंग जमाएगा, देखना उसका होता है क्या अंजाम। आज से शराफत की दुनिया खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। जय श्री कृष्ण।